हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा। मैं आज आपके लिए ऐसा गेम लेकर आई हूँ जो सभी उम्र के लोग बड़ी उत्साह के साथ खेल सकते हैं, जिसका नाम है टॉस टैक्टो। यही वीडियो इंग्लिश में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये गेम कैसे घर पर बनाएं और खेलें। तो चलो देखते हैं। बच्चों को रेडीमेड लाए हुए गेम से अपने हाथों से बनाए हुए गेम खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। टॉस टैक्टो ये टिक टैक्टो से इंस्पायर्ड बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी गेम है। यह बड़ी आसानी से घर पर बनाया जा सकता है और वो भी बिना किसी खर्चे के, और एक बार बनाने पर बहुत दिनों तक खेला जा सकता है। यह गेम बच्चे अपने बड़े भाई बहन, पेरेंट्स और दादा दादी के भी साथ खेल सकते हैं। इस गेम के द्वारा बच्चे काफ़ी समय तक एंगेज रहते हैं। यह खेल बच्चों को यह सिखाता है कि खेल के अंत तक लक्ष्य कैसे निर्धारित करें और संयम रखें। तो चलिए इस गेम को बनाने की क्या क्या आवश्यकता है देखते हैं। इसके लिए हमें लगेगा एक वाइट पेपर, स्केल, पेंसिल, कैंची, बॉटल का छोटा लीड, डायस और टू कलर के क्रेयॉन्स या स्केच पेन। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना गेम बोर्ड। गेम बोर्ड बनाने के लिए वाइट पेपर लेंगे। इसे टिकाऊ बनाने के लिए थोड़ा मोटा पेपर लेते हैं। स्केल और पेंसिल की मदद से एक लाइन खींचेंगे, देन कैंची से चौकोर आकार में उसे काट लेंगे। फिर उस पर चार खड़ी लाइन यानी वर्टिकल लाइन और चार आड़ी लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, जिससे 16 छोटे छोटे उसमें चौकोन बन जाएंगे। अब इसमें रैंडमली 1 से 5 तक के नंबर लिख लेंगे। आप रेफरेंस के लिए मैंने जो नंबर लिखे हैं वो भी लिख सकते हो। इसके बाद हम मार्कर्स बनाएंगे। मार्कर्स के लिए हमें छोटे छोटे आकार के चौकोन काट लेने हैं। चौकोन इस तरह से काटे कि जो हमारे गेम बोर्ड पे आसानी से बैठ जाए। फिर एक बॉटल का लीड लेके उसकी मदद से सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें 16 मार्कर्स बनाने हैं। 8 हम रेड कलर के मार्कर्स बनाएंगे, 8 ब्लू कलर के मार्कर्स बनाएंगे। इस गेम को बनाने में बच्चे आपको हेल्प कर सकते हैं या वो खुद से पूरा बना भी सकते हैं। इस तरह से हमारा गेम बोर्ड बनके तैयार है। हम इन मार्कर की जगह बॉटल की अलग अलग कलर की लिड्स भी यूज़ कर सकते हैं। रेड प्लेयर, ब्लू प्लेयर भी खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। बस हमें ज़रूरत है एक डाइस की। इस गेम के कुछ रूल्स हैं। डाइस खेल के जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे वो प्लेयर गेम स्टार्ट करेगा। जो जो नंबर हमारे डायस पे हमें मिलेंगे वहाँ वहाँ पे हमें हमारे मार्कर्स रखने हैं। हमें हमारे मार्कर्स इस तरह से रखने हैं कि हमारी खड़ी लाइन या आड़ी लाइन या तिरछी लाइन बनने के चांसेस बढ़ जाए। यहाँ एक एक करके प्लेयर प्ले कर रहे हैं। यहाँ हमें एक स्ट्रेटेजी अपनानी है कि हमें अपनी सीक्वेंस बनानी है पर अपोजिशन प्लेयर को ब्लॉक करना है ताकि वो उसकी सीक्वेंस बना ना सके। जिस तरह से टिक टैक्टो में 3 की सीक्वेंस बनाते हैं, इस गेम में टॉस टैक्टो में 4 की सीक्वेंस बनाते हैं। अब बारी आती है ब्लू प्लेयर की। ब्लू प्लेयर ने डाइस को रोल किया, नंबर आया 5। 5 अभी बोर्ड शीट पे नहीं है तो इस प्लेयर का टर्न मिस हो जाएगा। जो भी नंबर बोर्ड शीट पे नहीं रहेगा और यदि वो नंबर आता है तो उस प्लेयर का टर्न मिस हो जाएगा। अब बारी आती है रेड प्लेयर की। रेड प्लेयर ने रोल किया और नंबर आया 6। 6 ये वाइल्ड नंबर माना जाएगा। यदि 6 नंबर आता है तो प्लेयर कोई भी नंबर पे उसका मार्कर रख सकता है। जैसे कि रेड ने डिसाइड किया उसका मार्कर रखना है 3 ताकि वो ब्लू को ब्लॉक कर सके। अब यदि ब्लू को आता है नंबर 1 तो वो उसे ब्लॉक कर सकता था, पर नहीं, उसे आया नंबर 5, उसका चांस मिस हो गया। अब रेड को सिर्फ ज़रूरत है 1 की और वो उसे मिल चुका। इस तरह से रेड प्लेयर यहाँ पे जीत गया है। उसने आड़ी लाइन बना के उसकी सीक्वेंस पूरी की है। जो भी प्लेयर आड़ी लाइन, खड़ी लाइन या तिरछी लाइन बना के सीक्वेंस पहले पूरी करेगा वो प्लेयर जीत जाएगा। इस तरह से आप ये गेम 5 बार खेल सकते हो। 5 बार में से ज़्यादा जिसकी जीत होगी वो प्लेयर जीत जाएगा।
मैं आशा करती हूँ कि ये गेम आपको पसंद आया होगा। आप इस गेम को घर पे बनाएं और पूरे परिवार के साथ घर में लॉकडाउन के दौरान खेलें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।